हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला के तहत आनी उपमंडल के विभिन्न ब्राह्मण बहुल गांव में साख पर्व विधि विधान के साथ मनाया गया। आनी के थबोली गांव में परंपरागत साख पर्व पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। गांव में समस्त महिलाएं मंगल गीत गाते हुए अपने घरों से हाथ में साख देवी उठाए गांव की प्राचीन बावड़ी तक निकलती हैं। वहीं विधि पूर्वक देवी का विसर्जन जल में किया जाता है। मान्यता है कि भद्रपद कृष्ण पक्ष द्वादशी के दिन सभी महिलाएं अपने वर्ष भर की मन वचन व कर्मगत कमियों को लेकर माता से क्षमा प्रार्थना करती हैं और इसी दिन सप्तऋषि का व्रत भी रखती हैं। इसी दिन लकड़ी के एक फट्टे में शुद्ध मिट्टी पर साख देवी को बीजारोपित किया जाता है। ऋषि पंचमी के दिन तक रोजाना इसकी पूजा की जाती है। गांव की वरिष्ठ महिला एवं कथाकार किन्नौरी देवी शर्मा ने बताया कि इस गांव का आरंभ रामायण काल से है। लवकुश के जन्म के पश्चात द्वादशी तिथि को मां सीता ने इस देवी की पूजा की थी तथा लवकुश के वस्त्रों में रंगोली बनाई थी। उसी परंपरा को कायम रखते हुए सभी माताएं जहां साख देवी की प्रतिष्ठता करती हैं, वहीं अपने बच्चों के वस्त्रों में रंगोली बनाती हैं ताकि वर्ष भर सभी प्रकार के विघ्नों से उनकी रक्षा की जा सके। तो वहीं विधि विधान से साख देवी का पूजन होता है। ये पर्व प्रति वर्ष मनाया जाता है। वहीं गांव की महिला पिंगला शर्मा ने बताया कि आज हम सभी साख उत्सव मना रहे हैं। आज ऋषि पंचमी के दिन साख माता का विसर्जन किया जाता है। इसे हिंदू त्योहार में सप्तऋषि की याद में मनाया जाता है। इस पर्व को घर में धन धान्य की कामना की जाती है। 7 दिन तक साटी अनाज बुआई पर पूजा की जाती है। ऋषि पंचमी के दिन जो हम शक माता का विसर्जन करते हैं, वैसे ये हिंदू त्योहार में हम ये सप्तऋषि के नाम से इसको माना जाता है। सप्तऋषि हुए हैं गौतम, कश्यप, भारद्वाज, जमदाग्नि, इस तरह के जो 7 ऋषि है उनकी याद उसके लिए हम उसको माना जाता है इस छठ पर्व को। तो सारी माताएं बहने जो है हर बारी इसको व्रत करके रखती हैं और आज बॉडी के पास आते हैं। और दूसरा इससे हम ये महत्व रखते हैं कि हमारे घर जो इस तरह से धन धान्य से भरे रहे। जब हम इसमें 7 तरह का अनाज बोते हैं, हम जब हम इसको अपने घर से और 7 दिन में इसकी पूजा करके जो आज बॉडी के पास लाते हैं और हम माता से ये कामना करते हैं कि हे माता हमारे घर को है इसी धन धान्य से जो है भरपूर रखना, इसी महत्व के साथ इसका हम विसर्जन करने आए हैं आज।